सर्वे नंबर 6 द्वारली गाव या ठिकाणी जमिनीचा वादविवाद 6 महिन्यापूर्वी पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार प्रकरण घडला होता. आजही तो दिवस उगवला होता. आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार केला. आजही जितेंद्र पारीख त्याची इत्यादी 50-60 माणसं सर्वे करत होती. सर्वे करत आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही बोललो तुम्ही सर्वे करू शकत नाही. हा त्यानंतर मग त्या लोकांनी अश्लील शिवराई केल्या. आम्हाला जातीवाचक शब्द वापरले आणि धमक्या देऊन आम्हाला बोलू लागले. त्यावेळेस आम्ही दादांना कॉल केला, महेश दादांना कॉल केला. दादांना कॉल केला ना आम्ही, दादा त्या ठिकाणी आले. आल्यानंतर मग पोलिसांना बोलवले दादांनी. मग आल्यानंतर मग त्यांना जप्त केली. आणि मग नंतर ते असं आमचं म्हणणं आहे का, ह्या 6 महिन्यापूर्वी हाच वादविवाद झाला होता. आमची जागा त्यांनी बळकवण्याचा प्रयत्न केला होता. आता परत तसंच करायला लागला. ते आम्हाला कुठेतरी गरीबाला आमचा तेवढा तुकडा आहे जमिनीचा, तो आम्हाला परत मिळावा हीच आमची पोलिसांकडे हीच मागणी. हमारी जमीन पे गवर्नमेंट का सर्वे था, वो करने के लिए हम जब वहाँ पे पहुंचे तो महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल और वह उसके सब साथी बंटी गायकवाड़ व बाकी जितने भी है वो वहाँ पे आ गए. आते ही महेश गायकवाड़ गाड़ी से उतरे, हाथ में उनके गन थी और उन्होंने मुझ पर तानी भी और हमें धमकी दी. हमारे साथ मारहाण किया, मुझे व मेरे कर्मियों के साथ मारहाण की, मुझे जान से मारने की कोशिश की और उसमें मेरे यहाँ पे और बाकी भी शरीर के ऊपर घाव आए हैं. डॉक्टर ने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा है और ये जो ज़मीन है इस पे कोई किसी तरीके का विवाद नहीं है, किसी तरीके का एल्टिगेशन नहीं है. हमारे फेवर में कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है और इसका हमने जो भी पूरा मुबदला है वो दिया हुआ है और हमने किसी तरीके के वहाँ पे गुंडे नहीं बुलाए थे. गुंडे तो खुद महेश गायकवाड़ है जो वहाँ पे आके और ये सब अपवाद उन्होंने फैलाया. और जो एकनाथ नामदेव यादव वो उसके कुटुंब है वो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उन्हें जातिवादी गालियाँ दी, वो पूर्णतः से झूठे हैं. हमने इस तरह की कोई बात नहीं की है, ना ही उन्हें कुछ बोला है और ना ही उनके साथ कोई बात की थी. सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब किया जा रहा है. महेश गायकवाड़ ने मुझसे 10 करोड़ रुपये मांगे थे ये सब ना करने के लिए कि 10 करोड़ रुपए दे तो मैं ये सब नहीं करूँगा, केस वेस भी हटा दूंगा. मैंने ये सब देने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट की, मेरे जो कर्मी हैं उनके साथ मारपीट की, मेरे बॉडीगार्ड के साथ मारपीट की और हमारा ऑफिस और सब में तोड़फोड़ की और बाकी सिर्फ न पैसे न देने के कारण हमें झूठे केसों में फंसाई जाने की ये चीज़ें की जा रही है. और जो ज़मीन मालिक है, जो आके पुराने जो ज़मीन मालिक हैं जो आके इस पर हक जताते हैं और हम पे बार बार एट्रोसिटी और जातिवादक चीज़ों के लिए केस झूठे केस दायर करते हैं, वो खुद एक ही ज़मीन को 3 बार बेचने के लिए उनके ऊपर खुद 420 का केस दायर है उन लोगों के ऊपर. और हमने जो ज़मीन 1996 में जो ली थी उसके बेस पे से उनका जितना पेमेंट रहता है उसका 10 गुना हम लोग उनको पेमेंट दे चुके हैं और ये ज़मीन उनकी है नहीं, ये ज़मीन सरकार की थी. इनामी अभिवाज्य शर्त की ज़मीन थी, इसमें 75% हक सरकार का रहता है. जो 75% मुबदला 56,88,000 रुपये हमने 2011 में ही सरकार को भर दिए हैं, ये आके अपना झूठा और हमें सिर्फ फंसाने के लिए और हमसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब झूठे केस हम पे लगाते हैं. पिछली बार भी हम पे ही सब लगाए गए और इस बार भी ये जो हमारे मेरे और मेरे कर्मियों के ऊपर ही जो केस लगाते हैं, मेरे कुछ कर्मियों में से उन सेम जाति के लोग हैं. अभी बताइए कि किसी एक सेम जाति वाला आदमी दूसरे के ऊपर ऐसी गालियाँ आरोप लगाएगा? हाँ सर, श्री मुख्यमंत्री जी से और हमारे खासदार साहब श्रीकांत शिंदे जी से मांग है कि एक स्वतंत्र टीम बनाई जाए और कल्याण डुम्बिवली के सभी बिल्डरों के पास भेजी जाए और उन्हें पूछा जाए कि तो आपको मालूम पड़ेगा कि महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल कितने लोगों के साथ से खंडनी मांग रहे हैं या ले चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ भू माफिया बन गए हैं. इनका साथ दे रहा है इनके सब साथी प्रशांत बोटे, बंटी गायकवाड़, किरण फुलोरे और ये सब चीज़ों के अंदर इनकी हेल्प करता है अर्जुन नायर करके एक कल्याणिस्ट का बिल्डर है जो भी इनकी सब चीज़ों के अंदर हेल्प करता है. महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल सिर्फ उनके ऊपर कई और भी खंडनी के केस लग चुके हैं और कल उन्होंने साफ तरीके से आके मुझे 10 करोड़ का खंडनी मांगा जो न देने के कारण मुझसे मेरे साथ मारपीट की गई.